नमस्कार। एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूर्य एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि सीधी बात के इस कार्यक्रम के 20 शानदार वर्ष पूरे हो चुके हैं और अब हम एक नए इतिहास को रच चुके हैं। जम्मू कश्मीर का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो सीधी बात, जिसकी शुरुआत वर्ष 2000 में हुई और इस पूरे सफ़र में तमाम नाजरीन, तमाम व्यूवर्स का हमें सपोर्ट और कहीं ना कहीं उनकी राय, उनका सहयोग हमें मिला, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। दर्शकों, हम सब भलीभांति जानते हैं कि कोविड-19 या फिर यूं कहिए कि कोरोना वायरस आज पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। भारतवर्ष की अगर बात करें या फिर केंद्र शासित जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं सदे कदमों से इस महामारी के विरुद्ध हम काम कर रहे हैं और जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है, लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो चुकी है और 3 मई तक ये लॉकडाउन 2 जारी रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, केंद्र शासित जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, केरला और जम्मू कश्मीर ऐसे दो रियासतें या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने एक राह पूरे भारतवर्ष को दिखाई है। और जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो सबसे खुशखबरी ये है कि पिछले कुछ दिनों से कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आ रहा और सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कुछ रियायतें, खासकर जो यहाँ पर रेड जोन घोषित की गई थी, आहिस्ता आहिस्ता उनको ऑरेंज जोन में तब्दील किया जा रहा है। ये कुछ पॉजिटिव कदम जम्मू से निकल के आ रहे हैं, लेकिन कश्मीर अभी भी चिंता का विषय है। किस प्रकार इस महामारी के विरुद्ध न केवल वो कोरोना वॉरियर्स जिनको हम हेल्थ सर्विसेज, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स, पुलिस, अर्धसैनिक बल, हमारे सफाई कर्मचारी या वो एजेंसीज जो इस महामारी में काम कर रहे हैं, उसके अलावा किस प्रकार आम लोगों की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक इस आपदा की इस घड़ी में प्रशासन का को सहयोग देकर इस महामारी को ख़त्म करने की दिशा में काम कर सकें, यही आज की सीधी बात है। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है, जिनका तारुफ, जिनका परिचय आप सबसे करा दूं। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर डॉक्टर ताहिर फिरदौस जी बैठे हैं, आप एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जम्मू और स्पष्ट दिशा निर्देश एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपके द्वारा दिए जा रहे हैं। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं डॉक्टर दीपक कुमार, जो यूं तो डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू, लेकिन कोरोना महामारी के चलते एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधों पर डाली गई है, खासकर गांधीनगर में। किस प्रकार इस महामारी के विरुद्ध एक अभियान, एक जन जागृति पैदा करने का प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम श्री नीरज आनंद जी बैठे हैं, आप प्रेजिडेंट हैं चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन जम्मू, उसके अलावा आप नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। और किस प्रकार इस महामारी में खासकर जो ट्रेडर्स हैं अपना ताबून दे रहे हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई को सुचारू ढंग से जारी रख रहे हैं, उस पर अपना अपना मौकिफ रखेंगे। और इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं एडवोकेट शेख शकील साहब, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और आम जनता की, सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी आप यहाँ पर कर रहे हैं। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर ताहिर, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, कोविड-19 की अगर बात करें तो किस हिकमत अमली के साथ प्रशासन काम कर रही है? सर, जैसा आपने देखा कि इनिशियली जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं या स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात करूं, बियॉन्ड लॉकडाउन एक प्रिपरेशन ऐसे हुई कि सर्विलेंस शुरू किया गया, सर्विलेंस विद एयरपोर्ट, जितने भी जब एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशू हुई तो जितने भी लोग जम्मू या यूनियन टेरिटरी को थ्रू एरोप्लेन्स आ रहे थे, हमने वहाँ से स्टार्ट किया इन कोलाबरेशन, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल टीम्स, पुलिस, मैजिस्ट्रेट्स एंड अदर टीम्स, जितने भी लोग आ रहे थे हमने उनका सर्विलेंस करना शुरू किया, उनका रिकॉर्ड एक विद ट्रेवल, फॉरन ट्रेवल हिस्ट्री, जो लोग आ रहे थे उनका रिकॉर्ड एक बनाना शुरू किया। इसके बाद इस चीज़ को एक्सटेंड किया गया टू द रेलवे स्टेशन, ताकि पीपल विद द फॉरन ट्रेवल हिस्ट्री एंड सिम्टम्स, इनिशियली फर्स्ट दो ही चीज़ें रहीं कि अगर किसी में फॉरन ट्रेवल हिस्ट्री है और सिम्टम्स हैं, हम उन लोगों को स्क्रीन करें, उन लोगों की सर्विलेंस करें। तो यहाँ से एक सिस्टम शुरू हुआ। इससे पहले मेडिकल डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग्स का एक सिलसिला चला था, जो इनको मेडिकल डिपार्टमेंट्स को इंफ्रा, दिस इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के एंगल से मेडिकल डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग्स हुई, उसके BSF की ट्रेनिंग हुई और पैरामेडिक्स की ट्रेनिंग हुई, एक ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट का हुआ, सर्विलेंस स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो हमने आस्था विद फ्रॉम दिस सर्विलेंस, तो हमने एक अवेयरनेस का प्रोग्राम भी शुरू किया
टू मेक अवेयर द पब्लिक विद रिगार्ड टू कोविड-19, जिसमें पोस्टर्स, पम्पलेट्स, रेडियो अपील्स, डिफरेंट प्रोग्राम से अपील लोगों को की गई और सेल्फ रिपोर्टिंग वगैरह विद रिगार्ड टू सिम्टम्स हुए। तो इनिशियली इस एंगल पे चल के तो हमारे पास एक इन द मीन टाइम हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप हुआ, रिसोर्स डेवलपमेंट भी हुई और रिपोर्टिंग का भी सिलसिला शुरू हुआ। तो आफ्टर दैट वी एंटर्ड द लॉकडाउन स्टेज, जो आपको पता है। तो लॉकडाउन स्टेज में जब हम लोग आए तो बिकॉज वी हैड बाय दैट टाइम हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ था, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स भी था। तो इस स्टेज में हमें लॉकडाउन स्टेज में ये बेनिफिट हुआ कि इसने फर्दर ट्रांसमिशन को जो है वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन को या फर्दर ट्रांसमिशन को होने नहीं दिया। एंड एक रीज़न रहा कि हमारे पास एक कंटेनमेंट जो रही बड़ी हद तक वी वर एबल टू कंटेन इन कोलाबरेशन विद ऑल द जो डिपार्टमेंट्स, जो भी डिपार्टमेंट्स रहते हैं, इट्स मेडिकल, इट्स पुलिस, बाकी जितने भी जिनको आप कोरोना वॉरियर्स फाइटर्स बोलते हैं, इन सब के साथ मिलके इस जंग को हम आगे ले चले। एंड होपफुली अब तक जो जो हमारा रेस्पॉन्स रहा है टू द डिजीज़, ये अच्छा रहा है। डॉक्टर तारी, जिस आपने कहा कि स्टार्ट से जो सर्विलेंस हुई उस पर ट्रेनिंग, एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया और आज कहीं ना कहीं एक तो खुशकिस्मती भी है कि पॉजिटिव केसेस नहीं आ रहे हैं और जो कंटेनमेंट की गई है एक लॉकडाउन का, एक व्यापक प्रभाव खासकर जम्मू में देखने को मिला है। डॉक्टर दीपक, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। हेल्थ सर्विस की अगर बात करें, क्योंकि आप खुद डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रह चुके हैं, काम कर रहे हैं, एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके कंधों पर इस वक्त है खासकर कोविड-19 को लेकर, किस प्रकार लोगों में जो एक भय व्याप्त है, क्योंकि शुरुआत में जो खासकर अगर हम अमेरिका की अगर बात करें, ईरान की अगर बात करें, ब्रिटेन की अगर बात करें, तो वहाँ पर जो डेथ रेट्स है उसको देखकर एक फियर साइकोसिस लोगों के मन में आ चुका है। हम या फिर इंडिया खुशकिस्मत है कि यहाँ पर अभी मॉर्टेलिटी रेट उतना नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर और केरला ने कहीं ना कहीं एक राह दिखाई है, क्या कहेंगे? देखिए, कोविड-19 जैसा कि आपने देखा होगा कि जब से ये पेंडेमिक WHO ने डिक्लेयर किया था और यूरोप, अमेरिका और चाइना दे वर द मोस्ट हिट, और अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो ईरान, इनके नंबर्स देख के जब हम देख रहे थे तो लोगों में एक पैनिक आ गया था, लोगों में ये एक आ गया था कि शायद ये मतलब अब सबको फैल जाएगा और सारे लोग इसकी गिरफ्त में आ जाएंगे। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अच्छा, माननीय प्रधानमंत्री ने डिसीजन लिया और जब से लॉकडाउन किया, फर्स्ट लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि कंप्लीट लॉकडाउन, कंप्लीट सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज दिया गया। और अगर हमने कोरोना से फाइट करनी है तो दिस इज द बेस्ट वे कि सोशल डिस्टेंसिंग, ब्रेक द चेन, एग्जैक्टली, एंड स्टे एट होम वेयर नेवर इट इज नॉट नेसेसरी, डोंट गो, कम आउट ऑफ द आउट। ये जो मैसेज दिया गया था, इसके सक्सेस रेट में आप देखेंगे कि भारत काफ़ी अच्छा कर रहा है एज कम्पेयर टू यूरोप और अमेरिका। स्टेट ऑफ यूटी की बात करें, हम अपनी J&K यूटी की बात करें, तो आपने देखा होगा कि जम्मू में पिछले 7-8 दिन से कोई नया केस नहीं आया। बिल्कुल, टोटल केसेस 57 तक रुके हैं, बीच में एक दो केस आया था, लेकिन जम्मू पर से सिटी से कोई केस नहीं आ रहा है और ये एक बड़ी खुशी की बात है। इसमें मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन, अपने लोगों का, सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो उनके एफर्ट्स, जो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, वो अपने आप को मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, हैंड सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके क्वारंटीन में लोगों को रख रही है, उससे हमें एक काफ़ी सहायता मिली है इस कोविड-19 को रोकने के लिए। कोविड-19 को रोकने की जब तक बात आती है तो पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट इस समय रेडी है कोई भी इवेंचुअलिटी को फेस करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ सबसे ज़रूरी जो ब्रेक का चेन था, वो हम अगर इसको कंटिन्यू रखें और लोग अगर लॉकडाउन खुलने के बाद भी, कभी भी तो खुलना है लॉकडाउन, उसके बाद भी ये दो मैसेज अपने पास रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहन के बाहर जाएं और कभी भी अपने बुज़ुर्गों को अननेसेसरली इससे एक्सपोज मत कीजिए मार्केट से या क्राउडेड एरिया से, ताकि कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे हमें दोबारा इसकी कोई रिजर्वेंस हो सके। अब तो ये डिजीज़ कंट्रोल में है,
नॉन कोविड फैसिलिटीज़ की जहाँ तक हम बात करते हैं, उसमें हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, शुरू से वो इनको कर रहा है, हमारे यहाँ रेगुलर डायलिसिस हो रहा है, रेगुलर हार्ट डिजीज के पेशेंट्स को जो भी इमरजेंसी से ट्रीटमेंट हो रही है, कैंजियोप्लास्टीज, एंजियोग्राफी, पेसमेकर्स, इनको भी ज़रूरत है, वो चल रही हैं। और OPDs के लिए एक हेल्पलाइन सबके कंसल्टेंट्स की हमारे डिपार्टमेंट ने जारी की हुई है, जिसमें लोग ऑनलाइन उनसे बात कर सकते हैं और वेयर एवर नेसेसरी वो इमरजेंसी से इन सब फैसिलिटीज से हमारे जो नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं उनमें आके अपनी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर दीपक, जिस तरह आपने पूरा ब्यौरा दिया और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस चेन को तोड़ना सबसे अनिवार्य है और लॉकडाउन ही इसका सबसे बड़ा एक तरीका है इस चेन को तोड़ने का। नीरज जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा और लॉकडाउन के इस पीरियड में लगभग 30 दिन से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और 3 मई को ऑलमोस्ट 40 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, जिसका आह्वान हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने किया। और ऐसे में जहाँ हम कोरोना फाइटर्स की बात कर रहे हैं, एसेंशियल सर्विसेज की जो आपूर्ति है उसके लिए आपका आपकी जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है उनका भी हम अभिनंदन आभार व्यक्त करना चाहेंगे। क्या कहेंगे जो इस वक्त प्रशासन की तरफ से या फिर ट्रेडर्स कम्युनिटी की तरफ से काम किए जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा विवेक जी, आपको और आपके चैनल को ये मुबारकबाद पेश करके कि आज आपके इस प्रोग्राम ने 20 वर्ष पूरे किए हैं और आपने एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है हम लोगों को इंटरफेस करने का अथॉरिटीज़ के साथ और लोगों की बात जन जन तक पहुँचाने के लिए। उसके लिए विवेक जी, आप और आपके चैनल के प्रोड्यूसर बधाई के पात्र हैं। चाहे कोई भी हालात रहे, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम अपनी बात को स्पष्टता से, जैसा आपके कार्यक्रम का नाम है, सीधी बात ना रख सकें। उसके लिए आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत आभार। पहले तो दूसरी बात, जैसे आपने अभी कहा कि हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी का जो योगदान है, मैं उसके ऊपर ज़रूर बात करना चाहूँगा और बताना भी चाहूँगा आपके माध्यम से अपने साथियों को और अपने शहर के, अपनी स्टेट के लोगों को। चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, फ्रॉम द डे वन, जिस दिन से ये लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई या होने जा रही थी, ठीक है, जैसे अभी ताहिर साहब ने कहा, हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पहले तौर पे वो बधाई का पात्र है जी। क्योंकि 4 मार्च को मैं, विवेक जी बताना चाहूँगा, कश्मीर से जम्मू वापस आया तो एयरपोर्ट के ऊपर बकायदा हमें रोका गया कि आपकी ट्रेवल हिस्ट्री क्या है, आप कहाँ से आए हैं, बकायदा हमसे फॉर्म लिया गया। यानी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोएक्टिवली काम करके, चूँकि हम देख रहे थे कश्मीर में लोग हज करके आ रहे थे, बाहर से लोग ट्रेवल कर रहे थे, जिस तरह से बात हो रही थी कि भाई वहाँ पे बहुत फैला हुआ है, तो उसके लिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बधाई की पात्र है। रहा सवाल हमारी कम्युनिटी का, तो मैं आपको बताऊँ, 26th of March, आज 26th of April है, पूरा एक महीना हो गया, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से डेली हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है और पूरे देश के हमारे व्यापारी जो नेशनल लीडर्स हैं, हर स्टेट के नेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे होते हैं, जिस जिस प्रदेश में जो जो समस्या आ रही है उसके ऊपर विचार होता है और उस VC में सीनियर फंक्शनरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बैठते हैं, बीच बीच में आके हमारी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और MHA की जो आप गाइडलाइंस देख रहे हैं, जो अमेंडमेंट्स साथ साथ हो रही हैं बाकायदा, वो उनकी कंसोनेंस से हो रही हैं। और एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आदरणीय पीयूष गोयल जी ने भी ली, उन्होंने भी संज्ञान लिया कि हमारे को यहाँ क्या क्या दिक्कतें आ रही। और जहाँ रहा सवाल अब आप जो बात कर रहे हैं, हम वो काम कैसे कर रहे हैं, तो उसमें देखिए, हमारा जो व्यापारी वर्ग है, चाहे वो वेयर हाउस में बैठा है, चाहे वो कनक मंडी में बैठा है, चाहे हमारे फ्लोर मिलर्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सारे अपना अपना रोल अपनी अपनी जगह अदा कर रहे हैं। हर कोई जानता है कि हालात बहुत चुनौतीपूर्ण है, हर एक को घर से बाहर निकलने में डर है कि कहीं, क्योंकि इसमें कोई बड़े छोटे का भेदभाव नहीं है, कोई नहीं जानता। हम आपके यहाँ इस स्टूडियो में अगर आ जाए हैं तो घर वाले, जब भी हम घर से बाहर स्टेप आउट करते हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये खदशा रहते हैं और हर एक की इम्पोर्टेंस अपनी अपनी परिवार में उतनी है
क्योंकि वो अपने परिवार का ब्रेड अर्नर है, और यहाँ बैठे हुए एडमिनिस्ट्रेशन की साइड को रिप्रेजेंट करते हुए मैं ताहिर जी को ये बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हमें व्यापारी वर्ग को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोऑर्डिनेशन में बहुत कमी महसूस हो रही है, जो एक सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, जो मैं आज बात करना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखिए, जिम्मेवारी तो निर्वहन तो हो रहा है, अभी तक एक भी रिपोर्ट आपके पास नहीं आई होगी कहीं से भी कि भाई हमें रात को भूखे सोना पड़ रहा है, चाहे वो सोशल डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन सामान तो वो भी बाजार से ही प्रोक्योर। बिल्कुल, अगर उनको कोई एनजीओ डिस्ट्रीब्यूट कर रही है सामान, वो भी बाजार से प्रोक्योर हो रहा है। हमें कई तरह की दुश्वारियाँ सहन करके, चाहे वो फ्रेश वेजिटेबल्स हमारे लखनपुर में ख़राब हो रहे हैं, हमें हम जानते हैं कि हालात बहुत चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन फिर भी होता क्या है कि बहुत बार ये बात हो गई कि हम एक क्यों ना डेडिकेटेड स्टेक होल्डर्स के साथ एक कोऑर्डिनेशन का तरीकाकार बनाएं, जहाँ पे, चूँकि ये कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहा मैं यहाँ बैठा हुआ, लेकिन यस, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारा जो प्रशासन है वो संवेदनशील बने, उसमें जो संवेदनहीनता की कमी रहती है, मैं जानता हूँ कि इस वक्त बहुत प्रेशर है हर एक के ऊपर है, लेकिन साथ साथ क्या होता है, जो भी लोग घर से बाहर निकलते हैं, कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन होती है, तो उन लोगों के, हर लोग कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है। मैं एक इंस्टांस अभी कल का ही कोट करना चाहूँगा, क्यों मैं आज थोड़ा सा व्यथित हूँ, मेरा मन दुखी है अंदर से, कि यही बात हम जब एलजी साहब से की, हमने उनको रिप्रेजेंटेशन दी, उन्होंने हमें बुलाया, वो हमसे मीटिंग करते हैं, तुरंत दिशा निर्देश जारी करते हैं, और मैं ताहिर साहब आपको बताना चाहूँगा, मेरे को नहीं समझ आ रही, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में एलजी साहब से भी कुछ ऊपर लोग हैं क्या? वो 14 तारीख को दिशा निर्देश देते हैं कि ब्रिक केलन्स को इमीडिएट काम करने की इजाज़त दे दी जाए, ड्राई फ्रूट स्टॉक्स, मैं संवेदनहीनता की बात कर रहा हूँ अपने प्रशासन में बैठे कुछ अधिकारियों की, कृपया करके वो इसको अपने ऊपर ना ले, लेकिन मैं देखता हूँ हालात कितने चुनौतीपूर्ण हैं। ब्रिक केलन को 14 तारीख को ऑर्डर मिलता है, एलजी साहब रिटर्न ऑर्डर देते हैं, और 25 तारीख को यानी कल उनको पासिस फराम होते हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और आज मैं जब सुबह उठता हूँ और देखता हूँ बारिश, तो मैं उन ब्रिक केलन ओनर्स के बारे में सोचता हूँ कि जिन्होंने कच्ची ईंटें बना के रखी थी और उन्होंने ब्रिक्स को फायर करना था, अगर ये वही 14th को कुछ ने तो कर लिया, अगर हो गया होता तो शायद उनका नुकसान उतना नहीं होता, क्योंकि जब एक बार फायर चल पड़ती है, हर कोई जानता है, फिर उसको बुझने में समय लगता है। इसी तरह ड्राई फ्रूट सेलर्स का एलजी साहब ने संज्ञान ले लिया, क्यों? क्योंकि आज आपने जैसे कहा कि महीने से ऊपर हो गया है, ड्राई फ्रूट की दुकानों के अंदर ड्राई फ्रूट पड़ा है, क्या डिमांड थी उनकी कि हमारी ड्राई फ्रूट की दुकानों से हमें माल शिफ्ट करने की इजाज़त दे दी जाए, कोल्ड स्टोरेज में हम ले जाएं, ताकि हमारा ड्राई फ्रूट बच जाएगा। मैं ये संवेदनहीनता की बात क्यों कर रहा हूँ, मेरा मन दुखी है अंदर से कि मेरा वो व्यापारी कहाँ से अपना घर चलाएगा। आज इतना दुखी हूँ मैं कि हमारे अफसर ये नहीं समझते कि क्या मेरा व्यापारी अपने बच्चों की रोटी कैसे पाल पाएगा। विवेक जी, मेरे ऑफिस में आके उनके प्रधान बेचारे पैसे डोनेट करते हैं कि ये आप जो कोविड के लिए रिलीफ बांट रहे हैं, आप ये 31,000 रुपये हमारी तरफ से लीजिए, कि एलजी साहब ने बहुत अच्छा काम किया, आप हमें तुरंत पासिस दीजिए। मैं बड़े दुखी हृदय से आज कह रहा हूँ कि मेरे उन साथियों को आज तक पास नहीं दिया गया कि आप अपना स्टॉक उठा के कोल्ड स्टोरेज में ले जाइए। हम क्या बात कर रहे हैं, हम किस युग में जी रहे हैं? आप इतने इनसेंसिटिव हो, कल ऑर्डर आता है एमएचए का कि आप दुकानें खोलिए, एक बेकरी एसोसिएशन का प्रधान अपनी दुकान को ये देखने के लिए भेज देता है लड़के को कि देखो दुकान खोल के स्टॉक सर्विसेबल है अभी, के दे सकते हैं हम लोगों को, बेच सकते हैं कि नहीं। अभी वो दुकान की झाड़ पहुंच ही कर रहा है, उसकी दुकान के ऊपर जाके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग दुकान सील कर देते हैं। वो कहता है भाई कल का तो ये ऑर्डर आया हुआ है, मेरे मालिक ने मेरे को ये ऑर्डर दिया है, एंड हमारे ऑफिसर उसने मेरे से बात कराई, वो बात करने में राजी नहीं है, पेपरों में नाम शाया होता है, जय हिंद बेकरी की दुकान सील हो गई। हम किस समाज में रह रहे हैं आप क्या? और वो जय हिंद बेकरी वाला कहाँ है, मेरे फोन कर रहा है, सर मेरे को कल आदेश हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन में, कह रहे थे एसएमजी इसमें पीपी किट नहीं है,
तो हमने वहाँ पे ये पीपी किट पहुँचानी है सर, तो मैं तो वहाँ आया था आपके आदेश के अनुसार, मैं कोई बात नहीं, शिव जी आप वही काम करिए, दुकान खुलाने का जिम्मेवारी मेरी है, वो जाके वहाँ पे जो काम कर रहे हैं आप वो करिए। हम किस समाज में रह रहे हैं, हम किससे बातें कर रहे हैं? ये हालात चुनौतीपूर्ण हैं विवेक जी, मैं यहाँ आया हूँ, मैं अपने परिवार का अकेला ब्रेड अर्नर हूँ, मेरी फैमिली में मेरी माँ है, मेरी बीवी है और मेरी बेटी है। मैं जानता हूँ मैं जब घर से निकलता हूँ उनके दिल में क्या गुजरती है। मैं अपने ऑफिस में एक दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैं अपने साथियों की सेवा में नहीं, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन हमारी हमें ये हक दे रही है। नीरज जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने यहाँ पर उठाई हैं। यार मैं पानी पीऊंगा एक गिलास, मेरे को पानी पिलाओ। शेख शकील जी, नीरज जी, क्योंकि हृदय से इन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, भावुक हो चुके हैं वो, लेकिन एज ए मेम्बर ऑफ सिविल सोसाइटी जो चुनौती हमारे सामने है, क्योंकि जो वायरस है या जो दुश्मन है हमें नज़र नहीं आ रहा, किसी भी रूप में हमारे सामने है और उसे बचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एज ए मेम्बर ऑफ सिविल सोसाइटी, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन पर भी प्रेशर है, दबाव है इस वायरस से निपटने के लिए, लेकिन एज ए मेम्बर ऑफ सिविल सोसाइटी आप इस पूरी प्रक्रिया को, जो प्रयास प्रशासन द्वारा हमारे कोरोना फाइटर्स द्वारा किए जा रहे हैं, किस तरीके से, किस नज़र से आप इसको देखते हैं? सबसे पहले जो इशू नीरज भाई ने रखा है, इनकी आंखें तो नम होंगी लेकिन इनसे ज़्यादा मेरी आंखें नम होंगी। कहने की ये बात है कि एक ऐसी सिचुएशन से हमारा देश कंफ्रंट हुआ जिसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार थे। तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि बहुत बुरी बातें हैं करते हैं, बहुत बड़ा विशाल देश है हमारा, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसे कहते हैं कि जो त्रुटियाँ हैं हमारे तंत्र की, तो खासकर जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है वो कितना बैडली एक्सपोज हुआ है। विवेक जी, मुझे उसके, मुझे लगता है उसके लिए हमें बड़े बहुत सारे घंटे, पूरे दिन चाहिए इसके ऊपर डिबेट करने के लिए, कि इट इज़ वर्चुअली अ सिचुएशन ऑफ ए कोलैप्स जिसे कहते हैं। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, मुझे ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत दबाव में है, जैसा नीरज भाई ने कहा। दबाव ये है कि किसी तरीके से इस बीमारी को फैलने से रोकना है, बिल्कुल ठीक है। इलाज इसका कोई है नहीं, इलाज इसका यही है कि हम लोग अपने घरों में रहें, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कंसेप्ट ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग से कहते हैं। और मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, देश बड़ा विशाल है जिसे कहते हैं, और इतने बड़े देश में लोगों को उनकी दहलीज के अंदर रख पाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है देश के लिए, ये मैं कहूँगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो अचानक लॉकडाउन अनाउंस किया गया, इट इन्वाइटेड लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू द पब्लिक एट लार्ज, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो कश्मीरी में कहते हैं चारा छूना की, इसके अलावा चारा भी कोई नहीं था, क्योंकि हमारे पास कोई दवाई नहीं, हमारी कोई तैयारी नहीं, जिसे कहते हैं। आप ये देखिए, जिस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की खुद जिसे कहते हैं कुछ हदायत ऐसी आई कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने देखा आहिस्ता आहिस्ता से सख्ती तो करनी पड़ी, जिसे कहते हैं हमने देखा, आपने देखा सड़कों पर लोगों को रोका गया, सब कुछ है, लेकिन अल्टीमेटली जो सिविल सोसाइटी थी उसने अप्रिशिएट किया कि हमें अपने घरों में रहना ही एडवाइजेबल। लेकिन सबसे पहले ये बात है कि क्या इस चीज़ के लिए क्या हमारी आवाम तैयार थी या नहीं थी। आप देखिए इस वक्त हमारे देश में, अगर हम आंकड़े देखें, इस वक्त तक 15 करोड़ लोग जो हैं, ठीक है, वो इसमें इफ़ेक्ट हो चुके हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल, स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी हैं, जिसमें हमारे जो डेली वेजर्स हैं वो इफ़ेक्ट हो चुके हैं। और मैं आपको एक चीज़ कह देना चाहता हूँ, नीरज भाई मुझसे इस चीज़ से ज़्यादा वाकिफ़ हैं क्योंकि ये ट्रेड से जुड़े हुए हैं, तमाम बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं और इसके अलावा जो स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं, वो 20% से लेकर 40% जो हैं वो सैलरीज जो हैं अपने ऑफिसर्स की और अपने जो मुलाजम हैं उनकी वो घटा रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो पिछले महीने डेढ़ महीने से मुकम्मल बंद है, जिसे कहते हैं कोई यूनिट जो है वो चल नहीं रहा। तो अभी इन्होंने जिस तरह से ईंट भट्ठे वालों की बात की, इसी तरह से बहुत लोग यहाँ परेशान हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, जैसे अब कल से माह सियाम हमारा शुरू हुआ है, रमज़ान जिसे कहते हैं, ताहिर साहब जानते हैं कि हमारे यहाँ काफ़ी सारे लोग जो हैं जम्मू में, जो बठिंडी में, गुजर नगर में,
जानीपुर में, बन तालाब में, कोई राजौरी से है, कोई पुंछ से है, और उनकी कोशिश ये होती है कि जब माहे श्याम आए हम अपने घरों में जाएं। बिल्कुल, क्योंकि किसी का बच्चा यहाँ पे MBBS कर रहा है, किसी का बच्चा यहाँ पे कोचिंग कर रहा है। वो लोग जो हैं वो इतने परेशान हैं, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि वो अपने ठंडे इलाकों में, जिसे कहते हैं, आपको मालूम है अब जम्मू में गर्मी भी शुरू हो गई है, तो वो लोग जिसे कहते हैं, कोई डोडा जाना चाहता है, जिसे कहते हैं कोई भद्रवाह जाना चाहता है, कोई किश्तवाड़ जाना चाहता है, लेकिन उनको कोई राहत जो है वो नहीं मिल रही है। ताहिर साहब यहाँ पे बैठे हैं, बठिंडी और गुजरनगर के जो अवाम थे उनको रेड जोन में डिक्लेयर किया गया, सुंजवा भी जो है रेड जोन में है जिसे कहते हैं, तो वहाँ से काफ़ी शिकायत आई, जिसे कहते हैं बठिंडी से भी और गुजरनगर से भी। गुजरनगर से तो कोई केस जो है वो कोरोना पॉजिटिव का मिला नहीं। सुंजवा में, जिसे कहते हैं फिरदौसाबाद में एक मस्जिद है जहाँ पे कुछ, जिसे कहते हैं, कोई कॉन्टैक्ट्स थे, तो वहीं पे क्वारंटाइन किया गया, लेकिन बठिंडी से कोई केस मिला नहीं। तो बार बार वहाँ से जो है ये शिकायत आ रही थी कि हम लोगों के ऊपर इतनी सख्ती क्यों, हमें वहाँ पर इसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं वो भी नहीं पहुँच रही। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे मालूम है इस टाइम कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत दबाव है, जिसे कहते हैं कि कहीं ये इसका फैलाव ना हो जाए, कहीं कम्युनिटी स्प्रेड ना हो जाए। तो मैंने एक वीडियो मैसेज जो है, जिसे कहते हैं, वो डिप्टी कमिश्नर साहिबा को मैंने 2 या 3 मिनट का मैंने उनको दरख्वास्त की कि मैंने कहा जो रेड जोन की जो गाइडलाइंस हैं उसमें ना बठिंडी आता है ना गुजरनगर आता है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये चीज़ कहता हूँ कि इफ़ इन पब्लिक इंटरेस्ट, से कहते हैं, अगर कोई आपके पास केस हैं, कुछ हैं, लेकिन यू काइंडली रिव्यू योर डिसीजन। और मुझे इस बात की खुशी है कि रमज़ान से 1 या 2 दिन पहले ही वो रेड जोन से कुछ एरियाज बठिंडी के और गुजरनगर के उनको ऑरेंज, बिल्कुल ऑरेंज जोन में लाया गया। मैं शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए, लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, इन चीज़ों में वक्त लग रहा है। सुनवाई की जहाँ तक बात है, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, सुनवाई जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो नीरज भाई ने जो कही, ये बात मैंने परसों भी एक इंटरव्यू में कही कि हमारी इस यूटी को एडमिनिस्ट्रेशन को चला कौन रहा, व्हाट आर द हिडन हैंड्स। और मैंने ये बात खुल के मैं कहूँगा कि मैं ये बात मैंने इंटरव्यू में कही, एक शख्स हमारी इस यूटी को इस टाइम चला रहे हैं, वो हैं श्री BVR सुब्रमण्यम, जिनकी रिट जो है वो चलती है। और विद ड्यू रिगार्ड्स एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट नीरज जी, मुझे इस बात को करने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि मतलब इवन जो हमारे LG साहब हैं उनके ऑर्डर्स भी जो हैं वो कैरी आउट जो है वो नहीं हो रहे हैं, और जहाँ तक हमारे एडवाइज़र्स हैं वो इनविजिबल हैं। मैं साफ बात आपको कहूँगा, हमारे एडवाइज़र्स जो हैं वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे, और जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो एक ही आदमी का ऑर्डर मानते हैं, वो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब। और बड़ी मज़ेदार मैं आपको बात कहूँगा, मैं इस वक्त मैं ये कहूँगा कि सिचुएशन इज़ नॉट लेस देन ए वर्ल्ड वार। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, ये जंग से जो है ना ये कम सिचुएशन नहीं है। और मैं सलाम पेश करता हूँ हमारा जो पैरामेडिक्स हैं और जो हमारे वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात है इस वक्त भी हमारी रियासत में कुछ ऐसे वाक़यात सामने आए। मैं एक चैनल, एक हमारे जो प्राइवेट चैनल हैं जम्मू में, उन्होंने एक स्टोरी की कि इस वक्त भी जो सब स्टैंडर्ड परचेज हैं किट्स की वो जारी है। और आप ये देखिए कि 27 मार्च को शायद वो ऑर्डर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन ने किया, और उसके बाद कश्मीर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो स्टाफ था उन्होंने वो किट्स लेने से इनकार किया, उन्होंने कहा कि ये सब स्टैंडर्ड किट्स हैं। और मज़ेदार बात देखिए आप, उसी कंपनी को फिर, जिसे कहते हैं, 4 या 6 अप्रैल को दोबारा ऑर्डर जो है वो प्लेस किया गया, जिसे कहते हैं। और मज़ेदार बात ये देखिए, कल शाम को एक ऑर्डर निकलता है कि जनाब जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन के जो MD हैं उनको रिप्लेस किया गया, और उनकी जगह डॉक्टर यशपाल शर्मा जी को, जिसे कहते हैं कि उनको मैनेजिंग डायरेक्टर लगा दिया जाए। एक तो मैं इस बात पे काफ़ी हैरान हूँ कि जिस वक्त ये किसी ऑफिसर की अदला बदली करते हैं, क्या ये उसका प्रोफाइल चेक नहीं करते, क्या ये डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो जो जैन साहब हैं, क्या उनसे पूछते नहीं कि शेख शकील का चिट्ठा विट्ठा क्या है, इसकी कोई खानदानी बैकग्राउंड क्या है, इसने अगर 20 साल जम्मू कश्मीर सरकार में सर्विस की है तो इसकी करतूतें क्या रही हैं। तो मैं आपको बड़े अफसोस से ये बात कहूँगा, मैं किसी के खिलाफ बात करना नहीं चाहता, लेकिन हालात ऐसे हैं। हम इस वक्त जिस शख्स को करोड़ों अरबों रुपए की सप्लाई का मालिक बना रहे हैं, वो ऑलरेडी जिसके खिलाफ विजिलेंस में केसेस हैं, जिसके खिलाफ रेगुलर डिपार्टमेंटल एक्शन जो है वो चल रहे हैं। और आप ये देखिए
FIR नंबर 22/2017 विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन जम्मू में डेटेड 5 जून 2017 रिगार्डिंग दी परचेज ऑफ सब स्टैंडर्ड मेडिसिन अभी पेंडिंग है। उस ऑफिसर की याचिका हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसको वहाँ इन्वेस्टिगेशन में स्टे नहीं मिलता। हाई कोर्ट कहती है कि आप इन्वेस्टिगेशन जारी रखिए, जिसे कहते हैं। तो कहने की ये बात है कि इस इमरजेंट सिचुएशन में जिस शख्स को हम मैनेजिंग डायरेक्टर बना रहे हैं मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन का, उसकी छवि जो है वो मैं जनता के सामने थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूँ, जिसे कहते हैं जस्ट एक हिंट पेश कर रहा हूँ। और ये वही ऑफिसर हैं 2006-07 में एक एयर कंडीशन का जो कॉन्ट्रैक्ट था एक किसी शख्स को दिया गया था, जिसकी 20,000 रुपया पेमेंट थी, और उसने एलिगेशन लगाया था कि ये मुझसे 5,000 रुपया रिश्वत मांग रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये फैक्ट्स बोल रहे हैं, ये कागज़ बोल रहे हैं, जिसे कहते हैं। मैं बिल्कुल भी डॉक्टर यशपाल के जाती, मुझे उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन मैं ये चीज़ कह रहा हूँ अपने चीफ सेक्रेटरी साहब को कि चीफ सेक्रेटरी साहब, आपकी काबिलियत की हम दाद देते हैं, कदर करते हैं, लेकिन हमें तो ये था कि ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है। और आपको पता होगा विवेक भाई, मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ, डिफरेंस कहाँ है। हमें ये कहा गया कि यूपीए करप्ट थी, और ये सरकार जो है ये नई सरकार आई है, यहाँ पे करप्शन नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। तो ये तो मैं यही कहूँगा, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, फर्क कहाँ है। देखिए मैं आपको वही चीज़ ये मैं कहना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी ये बात, मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, डिलीवरी मैकेनिज्म जो है, डिलीवरी मैकेनिज्म को ठीक कीजिए। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ताहिर साहब यहाँ पे बैठे हैं, मेरा बिल्कुल भी मकसद जो है एडमिनिस्ट्रेशन को डीमोरलाइज करना नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको ज़रूर कहूँगा, ऐसा मैकेनिज्म, ऐसी हेल्पलाइंस, अगर आपकी जो हेल्पलाइंस हैं देख लीजिए वो क्या चल रही हैं। जितने भी लोग जो हैं, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, जो मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं, कोई डोडा जाना चाहता है, भद्रवाह जाना चाहता है, किश्तवाड़ जाना चाहता है, कहता जी मेरा फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया, कहता वो एंटरटेन ही नहीं करते। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस वक्त देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, कुछ लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, कोई बनी से यहाँ पे फंसा हुआ है, जिसे कहते हैं दूर दराज इलाकों के लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, कोई ये भी एक ऐसा मैकेनिज्म आप करें कि जो लोग खासकर बीमार हैं, हालांकि इनके सर्कुलर्स हैं, गाइडलाइंस हैं। लेकिन आपको एक और मज़े की मैं बात बताऊँगा नीरज भाई, आज सुबह मुझे ये मैं देख रहा था, एक व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन चल रही थी, जो इन्होंने अभी ये आर्डर निकाला है कि रूरल और अर्बन एरियाज़ में दुकानें खुलेंगी, उस सर्कुलर को चीफ सेक्रेटरी साहब जो है वो निकाल रहे हैं। और अगर आप उसको पढ़ने के बाद इफ़ यू कैन मेक आउट कि इस सर्कुलर क्या मीनिंग क्या है, मैं बात करूंगा, मैं आपको मज़े की बात बताऊंगा। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब, आप मुझसे बेशक नाराज़ हो जाइए, मुझे बेशक PSA लगवा दीजिए, मैं तैयार हूँ अंदर जाने के लिए, लेकिन ये मैं जनता की बात जरूर रखूंगा। आप भी उस इंग्लिश को पढ़ लीजिए, और किसी MA या किसी D.Lit को भी वो उसको पढ़ा लीजिए, वो सर्कुलर समझ नहीं आता। शिखर भाई, मैं दोबारा आप आऊँगा, लेकिन कई चीज़ों को आपने यहाँ पर खुलासा किया, लेकिन एक चीज़ तो हमें माननी पड़ेगी कि जो प्रधानमंत्री ने अपने पहले भाषण में कहा था जान है, और उसके बाद उन्होंने कहा था जान भी और जहान भी जी। अब जान और जहान दोनों देखी जा रही है। डॉक्टर ताहिर, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, पहले तो क्विक रिमार्क्स, उसके बाद कुछ इनिशिएटिव भी लिए गए हैं, जो एक डेडिकेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम की कल बात की गई थी, जिसके तहत कहा गया था कि 1400 टीमों का कॉन्स्टिट्यूट किए जाएंगी विद इन 1 वीक, और डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा उसके बारे में। और यहाँ पर नीरज जी ने कुछ चीज़ें उठाई हैं उनके बारे में। आपकी नजर से जो हमारे नीरज भाई ने जो बातें विद रिगार्ड टू एसेंशियल कमोडिटीज़ या ड्राई फ्रूट ब्रिक किलिंग्स का, मैं आपके नॉलेज में लाना चाहूँगा कि फर्स्ट से हमारे पास अराउंड 85-90 ब्रिक किलिंस यहाँ पे हैं। 15,000 लेबर जो थी वहाँ पे स्ट्रैंडेड थी, 15,000 फ्यू हंड्रेड्स, और इन लोगों का फर्स्ट ग्रुप में हमने ब्रिक किलिंस वालों को भी कहा कि इनका आप राशन का देखिए, इनका खाने पीने का, विद रिगार्ड टू वेलफेयर ऑफ दोज लेबरर्स, तो वो दैट इशू वॉज टेकन केयर ऑफ। फिर सेकेंड इशू जो आपका था कि विद रिगार्ड टू पासिस, रादर आई वुड लाइक टू स्टार्ट कि दिस इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डनरी सिचुएशन, जैसे आपने माना कि दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डनरी सिचुएशन, लॉकडाउन की कंडीशंस, वेदर नेशन वाज रेडी टू फेस अ लॉकडाउन, ऑल ऑफ सडन एक व्यवस्था को जब हम व्हेन वी स्टॉप ऑल ऑफ सडन व्यवस्था, व्हाट वाज द अदर ऑप्शन, तो मेडिकली द फेट ऑफ कंट्री जिनका हमने देखा, वेदर इट इज़ इटली, वेदर इट इज़ USA, या गो बैक टू चाइना, मेडिकली जितने भी लोगों का
how superior and how effective they were in tackling the things without implementing the lockdown. So it definitely a difficult situation tha with the level of economic condition of the we people here in India. It bahut tough tha ekdam se Jammu being the capital city. Capital city hai. और यहाँ पे जैसे शकील साहब ने अभी पॉइंट आउट किया, डेफिनेटली डिफरेंट एरियाज से लोग आते हैं, उनको फैसिलिटेट करना मोर देन विंटर्स में तो इट गोज अबो 20 लाख 15 जो माइग्रेटेड हमारी पॉपुलेशन है, क्या उनको हम किस कदर हम कैटर कर पाए, जो आपके ग्रीवियंसेस थे रहे होंगे इंडिविजुअल ग्रीवियंसेस या कहीं पे सेल क्या हुआ क्या नहीं हुआ. वी ट्राइड टू एड्रेस दिस थिंग. हमने इनिशियली एक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जिसको एडवर्टाइज भी किया था फर्स्ट से वहाँ पे लगाया था, इसमें डेडिकेटेड नंबर्स डेडिकेटेड टीम्स ऑफिशियल्स वहाँ पे लगा के इसको पूरे कहाँ से हमें किस किस्म का इंफॉर्मेशन आ रही है, किस किस्म की ग्रीवियंसिस आ रही है, इसको रिकॉर्ड डाउन करने के और इसको रेस्पॉन्स करने की डेफिनेटली कोशिश की. जो हमारे स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स थे सर, उनको भी यहाँ पे एक जॉइंट कंट्रोल रूम विद द हेल्प ऑफ PCR विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, उन लोगों को भी हाउ टू फैसिलिटेट देम और इंटर डिपार्टमेंटल जो ताकि पुलिस और इनका एक कोऑर्डिनेशन बना रहे. तो क्योंकि इस किस्म की एक्सरसाइज इस लेवल पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहीं कहीं पे वो जो चीज़ें हैं हो सकता है कोई ग्रीवियंसिस होंगे जो एड्रेस ना हूँ, मैं उनको डिनाई नहीं करता 100%, लेकिन अराउंड 5000 कॉल्स हमारी जो है इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स पे आई है, उनका डाटा हमारे पास अवेलेबल है, हाउ वी हैव ट्राइड टू रीच आउट टू देम. फिर जो इनको फैसिलिटेट करना था विद रिगार्ड टू द फैसिलिटेशन ऑफ द स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स या रमज़ान में जो लोग हमारे फंसे हुए हैं, कोशिश की गई है एक विद अ सेट प्रोसीजर एंड सेट प्रोटोकॉल कि किस बेसिस पे किस आदमी को एलो किया जाए. तो उसमें पासिस भी इशू हुए हैं एंड दे आर बीइंग इशूड. हमारे जैसे नीरज साहब ने कहा स्किप द थिंग इन बिटवीन, अराउंड 20,000 पासिस हमने इंक्लूसिव ऑफ द एसेंशियल सर्विसेज जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी वो इन शॉप ये करना, वेयर हाउस की शॉप्स को रेगुलेट करना, ऑल दिस वॉज बींग दिस फैसिलिटीज वॉज बींग डन जो मेजर ऑब्जेक्टिव को उसको ध्यान में रखते हुए कि हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव जो है हमारा जो टू ब्रेक द ट्रांसमिशन उसको ध्यान में रखते हुए हम बाकी चीज़ें फैसिलिटेट हमने करने की कोशिश की. सर आपने गुजरनगर या इन एरियाज की बात की, बियॉन्ड दिस अबाउट 10 डेज बैक हम लोगों ने वहाँ पर भी विजिट किया, उन एरियाज को देखा हाउ टू कटेल देम, किन किन चीज़ों को फैसिलिटेट किया गया जाए. तो ये चीज़ें सब कोशिश हुई हैं सर और हो रही हैं कंटिन्यूसली. जो जहाँ पे नहीं हुआ होगा इट विल बी टेकन केयर ऑफ. एंड जो आपने कहा प्रेजेंटली जो एक ऐप मोबाइल ऐप जो है स्वास्थ्य निधि एप्लीकेशन एक लॉन्च हुई है विद इंक्लूजन ऑफ 1400 टीम्स. थर्ड पॉइंट जो था आपका वो 1400 टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं जो डोर टू डोर सर्वे करेंगी क्या कोई सिम्टोमेटिक है, हर घर में नॉक करेंगी. जो लेवल वन की हमारी टीम है इसमें BLO है, आंगनवाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर है, ये लेवल वन पे डोर टू डोर जाएंगे. लेवल टू पे इसमें हमने जो हमारे ये सुपरवाइजर्स हैं मेडिकल ऑफिसर्स रहे हैं, कोशिश ये की गई है कि एक मेडिकल ऑफिसर के जो जिम्मे हैं चार से पाँच टीमें हों, बट ड्यू टू डर्थ ऑफ स्टाफ समवेयर हमें उसको मोर देन वी कुड हैव एक्सटेंडेड मोर देन 5 टीम्स टू अ मेडिकल ऑफिसर, वो उन तक पहुँचे. और नेक्स्ट स्टेप में हमने 11 BMOs को एक सेट ऑफ हायरार्की बना के ताकि जो भी हमारे जो अल्टीमेट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इस चीज़ को ओवरकम करें. तो ओवरकम करने में जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि दी बेस्ट है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, तो इसमें ये कोशिश की गई है कि ये लोग जो है ये 11 BMOs की भी जहां पे रिपोर्ट करेंगे, लेवल वन की टीम जहां रिपोर्ट करेगी वहां मेडिकल ऑफिसर सुपरवाइजर उसको फर्दर चेक करेंगे वेदर इट नीड्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन. तो
इस तरह से वी आर प्लानिंग एंड हैव स्टार्टेड एन ऐप ऑफ स्वास्थ्य निधि, जो हम 15 लोगों को हम स्क्रूटिनाइज करेंगे टू फाइट अगेंस्ट एंड टू ब्रेक दिस चेन, और इसको सेग्रीगेट करने के लिए अगर कोई हमारा इफेक्टिव है ताकि उसका अकॉर्डिंगली वो ट्रीटमेंट किया जाए। नीरज जी, क्विक रिमार्क्स। देखिए ऐसा है भाई जी, जैसे आपने अभी कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इफ आई हैव राइटली हर्ड, 15,000 पासिस, मोर देन 15,000 बोला आपने? आपको बताना चाहूंगा ताहिर जी, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए और सभी अपने नाजरीन के लिए भी, कि चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन, चूंकि जैसे आपने वेयर हाउस की बात करी, वेयर हाउस, कनक मंडी, ऑल ग्रासरी किराना स्टोर्स, उसमें मिलक चीज सेलर्स भी, होल सेलर्स भी, रिटेल फ्रूट वेजिटेबल एंड होलसेलर्स भी, फ्लोर मिल्स, ब्रेड फैक्ट्रीज, राइस सेलर्स, सीएफएस एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, इवन अमूल फ्रेश मिल्क प्लांट, ब्रिक किलन ऑपरेटर्स, ठीक है, इन सब के पासिस मिला के जो मेरे पास आए और हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, दैट नंबर इज 2,226, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें आए हैं और हमने हर एक को दिए हैं बाजाबता नंबरिंग करके, और मेरे पास उसका पूरा रिकॉर्ड है, ठीक। आपने जितने भी कहे, आपने कहा 20,000 से ज़्यादा दिए हैं, यही हमारा आपके इस चैनल के माध्यम से आपसे एक सवाल है कि 20,000 आपने दिए, मैंने जितने स्टेक होल्डर्स के नाम लिए, इसमें सिर्फ फार्मास्यूटिकल नहीं है, मेरा जो वन ऑफ द ऑफिस बिरर है इज ऑफिस बिरर इन फार्मास्यूटिकल, उनको भी आप पूछ लीजिए, उनकी भी डिमांड हमेशा से रही है कि डिस्ट्रीब्यूटर के लिए हमारे पास पासिस नहीं और उनके लिए पासिस नहीं। देयर इज समथिंग वेरी सीरियस विच आई एम टेलिंग यू, क्योंकि हो क्या रहा है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहूँगा, आज तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एक भी मीटिंग, जबकि पूरे देश में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑफिस है वो सभी संगठनों के साथ लगातार इंटरेक्शन कर रहा है, आज तक एक भी मीटिंग, मैं ये कह रहा हूँ आपको ऑन रिकॉर्ड, एक भी मीटिंग कलेक्टर ऑफिस द्वारा नहीं ली गई है विद द स्टेक होल्डर्स, क्योंकि मैं माफी चाहता हूं, पहले मैं भावुक हो गया, जैसा मैं होता नहीं कभी, क्यों, क्योंकि मेरे मन में आज संवेदनहीनता की जो मैं बात कर रहा हूं, जिस तरफ शकील भाई ने भी बात करी, हम परचेजिंग की बात कर रहे हैं, व्हाट टू टॉक ऑफ क्वालिटी, शकील भाई इधर हमें पास कॉलोजी आई कि पीपी किट्स हॉस्पिटल्स में थी नहीं, मैंने जैसे कल का ही जिक्र किया कि हमारे को कहा गया, पहले भी हमने दी, कल भी मेरा ही साथी जिसकी दुकान के ऊपर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन चली गई, मैं क्यों कह रहा हूं, और आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट किया, देर आर पीपल दोज हु आर नॉट ओबेइंग इवन एलजीस ऑर्डर, दैट इज अ वेरी सीरियस कंसर्न। एमएचए की तो बात, एमएचए आज यूटी है, इट इज कंट्रोल्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बाकी प्रदेशों में तो हम कह सकते हैं कहीं राजनीति हो सकती है, कहीं कांग्रेस की सरकार है जी, कहीं दूसरी सरकार है, उन्होंने मानने में कहा, वो राजनीतिक पहलू हो सकता है, हमारी स्टेट में जो कि डायरेक्टली एमएचए की तरफ से गवर्न होती है, अगर वहां पे जाके अगर कोई बात हो जाती है तो वाई नॉट वी शुड रेज ए क्वेश्चन, आज तो सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन है। मैं शकील बाबू को कहूंगा, हम PIL फाइल करेंगे, ये हालात ठीक होने दीजिए, हम फाइल करेंगे चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन, कितना खर्चा, कितनी परचेज, किस किस चीज के ऊपर हुई, आज हम देख रहे हैं सेवा भारती कितना राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कितने लोगों को दे रही है, एनजीओ कितने दे रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग कितनी दे रही है, जैसे अभी इन्होंने सोल्स की बात करी, ब्रिक किलन्स के ऊपर लेबर्स की बात करी, डन, लेबर्स को खाना दिया गया, उनके ओनर्स के द्वारा भी दिया गया, एनजीओ की तरफ से भी दिया गया, गवर्नमेंट की तरफ से भी दिया गया, नो इश्यूज, लेकिन अगर आपको ये पता है, एडमिनिस्ट्रेशन जानती है कि सीजनल काम है, एलजी साहब इज विजिलेंट एनफ, उन्होंने तुरंत उसी वक्त कहा आप जाइए आप फायर करिए, ये मैं 14 तारीख की बात कर रहा हूँ, 14th of April, और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन 25 तारीख को उनको पास देती है, आप अंदाजा लगाइए, मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। माहे रमजान की बात करी, क्योंकि 14 तारीख को ऑर्डर है रिटर्न एलजी साहब का कि ड्राई फ्रूट ओनर्स को अलाउ किया जाए, इन द मीनवाइल डिमांड आती है, हम एलजी साहब को लिखते हैं, वो कहते हैं ठीक है, इनको रिस्ट्रिक्टिव आवर्स के साथ क्यों, माह रमजान में बेकरी और जब रोजा खुलता है खजूर और ड्राई फ्रूट खाया जाता है, ये एक रिचुअल है। कश्मीर से भी हमें डिमांड आई, जम्मू से भी आई, हमने एलजी साहब को दोबारा रिप्रेजेंट किया कि जनाब ऐसे ऐसे है, अगर हो सके तो थोड़ा सा, एलजी साहब हैज गिवन इंस्ट्रक्शंस, लेकिन दोज वर, वेयर वर दोज इंस्ट्रक्शंस। जी मैं दोबारा आऊंगा, उससे पहले डॉक्टर दीपक की तरफ आना चाहूंगा। डॉक्टर दीपक साहब,
दो चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा। एक तो टेस्टिंग की अगर बात करें, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत चीज़ें आ रही हैं, कहीं हाइप भी क्रिएट की गई हैं, कहीं न्यूज़ को बड़ा चढ़ा के पेश किया गया है, टेस्टिंग किसके लिए ज़रूरी है? और दूसरा, जम्मू की अगर बात करें, कहाँ कहाँ टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है और कोविड हॉस्पिटल्स कहाँ का क्रिएट किए गए हैं? देखें, जहाँ तक टेस्टिंग किसको चाहिए, सबसे पहले आप देखें जितने लोगों में सिम्टम्स आते हैं जी, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में होते हैं, उन सबको टेस्टिंग चाहिए। और इसमें सबसे ज़रूरी है कि जो लोग लॉकडाउन में भी हैं, घरों में बैठे हैं, अगर उनको सिम्टम आते हैं दे शुड कम फॉरवर्ड एंड गो टू द सेंटर्स। हमारे GMC में सेंटर है, हमारे गांधीनगर में सेंटर्स हैं और वेरियस कलेक्शन सेंटर्स हैं, और तो प्राइवेट लैब्स को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिट किया था कि वो टेस्टिंग कर सकते हैं। और टेस्टिंग क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वो कन्फर्मेशन होगा एंड द पेशेंट हैज़ टू गो टू क्वारंटाइन एंड कंटैक्ट टेस्टिंग करके उनको क्वारंटाइन करके यू हैव टू अनटिल डेट वी आर सक्सेसफुल इन दैट, दैट्स वाई देर इज़ नो केस, कोई केस आया नहीं है, कहीं ना कहीं सक्सेस तो हो रही है। अब उसके वेरियस फैक्टर्स हैं, लोगों का सहयोग है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रही है, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रही है। और अगर केसेस जम्मू में नहीं आए हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि कहीं हम बहुत स्ट्रांग या बहुत वीक हैं, इट मीन्स कि जो भी रिसोर्सेज के साथ हम थे वी आर डूइंग अवर बेस्ट। और दूसरी बात रही कि टेस्टिंग, हमारे अभी तक जो टोटल टेस्ट हो चुके हैं वो 12,835 टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें 12,341 नेगेटिव आए हैं। और टेस्टिंग किट्स की बात थी, देखो एक चीज़ सबको माननी पड़ेगी कि ये जो महामारी आई अचानक से आई, इसमें इंडिया तो डेवलप्ड कंट्री था, और जो अंडर डेवलप मतलब डेवलपिंग स्टेज में इंडिया, जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उनमें किस बात की शॉर्टेज नहीं आई, आपने देखा होगा, राइट फ्रॉम पीपी किट से लेके टेस्टिंग से लेके हर एक चीज़ उनकी भी क्वेश्चन मार्क में आ गई और एनॉर्मस नंबर ऑफ डेथ्स। देखें उनकी डेथ रेट, उनका टोटल नंबर ऑफ केसेस, और इन स्पाइट ऑफ कि हम कहते थे कि दे आर द बेस्ट इन द हेल्थ सिस्टम्स, दे आर द बेस्ट इन वट एवर इट इज, इंडिया तो अभी स्लोली प्रोग्रेस था और इन चीज़ों की तरफ तो ध्यान नहीं था, इंडिया तो अभी नॉन कोविड अब केसेस देखे तो उनसे ही स्ट्रगल कर रहा था, तो एकदम इन्फेक्शियस डिजीज आ गई, एकदम ये सारा सिस्टम हो गया। और इतने मैन्युफैक्चरर्स नहीं थे, इतने सिस्टम नहीं थे, चाइना ने पहले ही एक्सपोर्ट्स कर लिए थे, जो आपके मैं अंदर की बात बताऊं कि चाइना ने पहले ही एक्सपोर्ट कर लिया था, चाइना प्लेड अ वेरी पर्टिकुलर सस्पिशियस और डबियस रोल इन दिस होल स्प्रेड ऑफ कोरोना। वो इन्वेस्टिगेशन बाद में बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं, सारी कंट्रीज में लगी हुई हैं। लेकिन जब हम पीपी किट्स की बात करें, जब हम कोविड से रिलेटेड प्रोटेक्शंस की बात करें, जब हम टेस्टिंग की बात करें, तो एकदम इतने लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करना विद इन डेज, क्वालिटी एंड एवरीथिंग ध्यान रखते हुए नहीं था। अवेलेबिलिटी, इट्स ए पैन इंडिया रिक्वायरमेंट, इट्स नॉट ओनली जम्मूज रिक्वायरमेंट, इट्स नॉट ओनली कश्मीर, इट्स ए पैन इंडिया रिक्वायरमेंट। और जो लॉकडाउन था दैट वॉज द मोस्ट हेल्पफुल इन दैट कि वी गॉट ए टाइम। देखो सैनिटाइजर एक बेसिक चीज़ थी, सैनिटाइजर की एक टाइम पे कमी थी, आज सैनिटाइजर खुला मिल रहा है, हर एक दुकान पे मिल रहा है। इसी तरह ट्रिपल लेयर मास्क थी, स्टार्ट में कमी हुई, आज ट्रिपल लेयर मास्क अवेलेबल है हर किसी को। सो लोगों को इसमें समझने में टाइम लगा कि दे हैव टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन दैट, और गवर्नमेंट ने भी उसमें काफ़ी सहयोग किया कि आप करें, लोगों ने अब मैं कहूँगा कि इंडिया ऐसा कंट्री है कि लोगों ने कपड़े के मास्क बना लिए घर पे, और वो दे आर वेरी हेल्पफुल। जो प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि आप कुछ भी यूज़ कीजिए बट बैरियर यूज़ कीजिए, तो उसमें ये सारी चीज़ें करते करते हम इस स्टेज में पहुंचे हैं कि वेयर वी कैन से कि वी आर फेयरली प्लेस्ड इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज। आज यूटी की बात कर लें आप, कश्मीर में थोड़ी प्रॉब्लम है लेकिन लगता है कि जिस तरह से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें, देखो हमें सबसे बड़ा ज़रूरी रोकना है कि यू शुड नॉट गेट कोरोना। एक बार हो जाएगा इलाज कोई नहीं है, उसके बाद क्या करना है? आपने पीपी किट तो एक मतलब डॉक्टर्स को तो चाहिए, और डॉक्टर्स हमारे कुछ पॉजिटिव भी हुए, और पीपी किट का जहाँ तक इन्हें मसला कराया कि वो स्टार्ट में प्रॉब्लम्स थी, अभी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, कुछ सहयोग से अभी प्रिंसिपल मैम का मतलब वी शुड बी थैंकफुल कि उन्होंने स्टूडेंट फंड से अभी परसों ही पीपी किट प्रोक्योर की और सबके पास आ गई हैं, मेरे हॉस्पिटल में भी आ गई हैं। तो ये इश्यूज तो आते रहेंगे, काम होगा, कुछ डेफिशिएंसीज भी निकलेंगी, लेकिन हम सब ने मिलके इस कोविड को 19 को एक पहले तो इससे जीत हासिल करनी है, फिर जो कमियां त्रुटियां होंगी उसका गैप एनालिसिस करके आगे हम फ्यूचर के लिए इसको ठीक कर सकते हैं। जकील भाई, जैसा आपने जो श्रीनगर का इंसिडेंट था उसका आपने यहाँ पर जिक्र किया, उसके अलावा
एसएमजीएस की अगर बात करें, इसी दौरान आग लगती है मेट्रोपोल जिला में, कहीं ना कहीं वो भी कहानी क्या है। और एक स्टोरी ये भी सामने आ रही है मार्केट में कि सोडियम हाइपोक्लोराइड जिसका स्प्रे किया जाता है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर या फिर डीडीटी का स्प्रे, क्योंकि कई घर से शिकायतें आ रही हैं कि जो स्प्रे करके जाते हैं तो वाइट पैचेस वो ब्लीचिंग पाउडर या उसके रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ खामी आपने तंत्र का जिक्र किया वो सामने आ रही है। विवेक भाई, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे शहर में दो बड़े डायनेमिक ऑफिसर्स हैं, एक हमारी म्यूनसिपल कमिश्नर मैडम लवासा और हमारी डिप्टी कमिश्नर मैडम जो भी, लेकिन ग्राउंड पे जब तक, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, जब तक ग्राउंड पे जो डिलीवरी है वो नहीं पहुँचेगी तब तक बात नहीं बनेगी। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, डॉक्टर साहब ने जिस बात की तरफ इशारा किया, इस वक्त हमें कोई क्रेडिट नहीं लेना, बिल्कुल ठीक है। इस वक्त आप ये देखिए, मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है, नीरज भाई यहाँ पे बैठे, हमारे में कहा जाता है, हमारी मजहबी किताबों में भी ये लिखा है कि अगर आप दाएं हाथ से किसी की मदद कर रहे हैं तो वो बाएं हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए हमारे जो लीडर्स, हालांकि इसके ऊपर हमारे सभ्य समाज ने, हमारे कुछ वकलाओं ने, हमारे कुछ मैं ये कहूँगा फिलैंथ्रोपिस्ट ने उसके ऊपर टिकटॉक भी बनाया कि भैया हम आपसे राशन नहीं लेंगे क्योंकि आप सेल्फी क्यों खींचते हैं। बिल्कुल, लेकिन आप ये देखिए रोज़ चंदा देने वालों की लिस्ट हमारी स्टेट के लीडिंग न्यूज़पेपर्स में छप रही है, रोज़ फोटोग्राफ्स हमारे एक्स मिनिस्टर्स के, जिसे कहते हैं कि वो लोगों के, जिसे कहते हैं आटे की गुत्थी, चावल की गुत्थी जिसे कहते हैं, वो दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त हमारा पूरा ध्यान जो है वो इस तरफ होना चाहिए कि किस तरीके से हमने इस कोरोना से जीत हासिल करनी है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने जिस तरफ इशारा किया। दूसरी बात मैं आपको ये चीज़ कहूँगा, कुछ डिपार्टमेंट्स जो इस टाइम सक्रिय हैं, जिनमें एक तो एसेंशियल सर्विसेज, दूसरा हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तीसरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इनकी वो हालत होनी चाहिए कि जैसा कि आप समझ लीजिए कि जंग लगी हुई है, और आप समझ लीजिए कि हमारे इस टाइम जो जवान हैं यही हमारे जवान हैं, यही हमारे फौजी हैं। हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि इनका जो मनोबल है, इनकी जो हिम्मत है, इनका जो हौसला है, हम उसको शिकस्त दें। लेकिन एक बात है, शिकायत हमने किससे करनी है अल्टीमेटली, आप मुझे एक चीज़ बताइए। देखिए आज जिसे कहते हैं कि अगर बठिंडी को और गुजरनगर को राहत मिली है, वो लोग दुआएं दे रहे हैं इनको, जिसे कहते हैं, क्योंकि वो लोग, उनके पास एक लॉजिक था लेकिन कोई सुन नहीं रहा था बात। और मैं आपको एक चीज़ बड़ी मज़ेदार कहूँगा, थोड़ी सी दिक्कत है, नीरज भाई ने जिस तरफ इशारा किया ना, मैं ये चीज़ कहता हूँ, एक रिड्रेसल सेल जो है ना वो सरकार को भी खोलना चाहिए, हालांकि बने हुए हैं लेकिन बात वहाँ कोई सुनता नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप एक ऐसा इंप्रेशन हो चुका है कि काम होना अपने वक्त पे ही होना है, ठीक है, आप जितना मर्जी चिल्ला लीजिए। हमारे युवा जो हैं आज 2017 30 जून से चिल्ला रहे हैं कि SRO 202 जो है वो बड़ा आर्बिट्रेरी है, उसको ख़त्म कीजिए, कोई नहीं मानता, कोई सुनता ही नहीं। यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि भैया 4G हमें दे दीजिए, कोई सुनता ही नहीं। क्यों? क्योंकि करना इन्होंने उसी वक्त है जब उनको करना है, अब हमें भी अंदाज़ा हो चुका है, ये भी बेचारे मजबूर हैं। मेरी ताहिर भाई से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि ताहिर भाई इज़ ए पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, बिल्कुल ठीक है, ही हैज़ टू कैरी आउट द ऑर्डर्स, ये डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं है, डिसीजन कहीं और पे होता है। और मैं आपको मज़ेदार वही तो बाद में कहता हूँ, हमारी तकदीर में लिखा हुआ है ये हमारा, इससे जम्मू कश्मीर में बार बार कहता हूँ, इट्स ए पोलिटिकल लेबॉरट्री, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर ही ये जो रियासत से ये यूटी बनी है। तो ये मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि अगर अब यूटी है और यूटी आपने इसलिए बनाया, ये हमारे होम मिनिस्टर का बयान है कि यहाँ पर आतंकवाद था और यहाँ पे करप्शन थे, तभी मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने यूटी बनाया है तो अब हमें डिलीवरी में, गवर्नेंस में कुछ फ़र्क तो महसूस होना चाहिए, कुछ साफ शफाफ लोग। मैं अक्सर बार बार विवेक भाई आपके इस प्रोग्राम में कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो सेंसिटिव पोजीशंस हैं वहाँ पे पर्सन्स विद क्लीन इमेज शुड बी पोस्टेड, मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ। और जम्मू कश्मीर में कोई इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट लेने के लिए आपके खिलाफ 2-3 इंक्वायरियाँ, 2-3 पर्चे विजिलेंस के होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी पता चलता आप यहाँ खानदानी हैं और आप इस पोस्ट के लिए काबिल हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो बड़ी ही इमरजेंट सिचुएशन है, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ। और मैं जम्मू की जनता के बिहाफ पे, और ख़ासकर मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूँगा, मैं ताहिर भाई से रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डोडा, डिस्ट्रिक्ट राजौरी, डिस्ट्रिक्ट पुंछ और डिस्ट्रिक्ट कठुआ
कि दूर दराज इलाके बनी के लोग जिसे कहते हैं वो यहाँ पे फंसे हुए हैं, जो लोग रमज़ान में अपने घरों में जाना चाहते हैं, जो कुछ दिनों के लिए यहाँ पे आए थे, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए अपने बच्चे की किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए, जिसे कहते हैं कोई अपनी मिसिस का इलाज करवाने के लिए, मेरी आपसे गुजारिश है कि वो जो आपने ऐप भी निकाली है उसको और सिंप्लीफाई कीजिए और कोई ऐसा सिस्टम बनाइए कि लोग माह सयाम में अपने घरों में पहुंच सके। और दूसरी बात, एक शिकायत और मैं आपको बताऊंगा कि बिल्कुल बठिंडी के साथ ही एडजॉइनिंग सुंजवा एरिया भी है जहां फिरदौसाबाद भी जिसमें शामिल है, वहां एक मस्जिद में क्वारंटाइन भी आपने किया हुआ है। मेरी आपसे गुजारिश है कि 8 लोगों के लिए, 10 लोगों के लिए जिनको आपने वहाँ पे क्वारंटाइन किया हुआ मस्जिद के अंदर, उनको प्लीज़ वहाँ से शिफ्ट कीजिए। और वहाँ पे जो 40,000 या 50,000 लोग जो हैं, जो ये समझ रहे हैं कि हमें भी जिसे कहते हैं कि रेड जोन से ऑरेंज जोन में आना चाहिए, मेरी गुजारिश है, मैं विवेक जी के थ्रू आपको मैं ये सबमिशन कर रहा हूँ DC साहिबा तक, ये भी सुंजवा के लोगों का, फिरदौसाबाद के लोगों का, ये आपके लिए एक सबमिशन है कि ये पिटीशन है। एक चीज़ और भी है कि जी, लोग वायलेशन लॉकडाउन का पूरा फॉलो नहीं करते हैं, वो मैं उसके लिए बात करूँ, मेरी मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, देखिए ये ताहिर साहब यहाँ पे बैठे बतौर शेख शकील, आप इनको पूछ लीजिए कभी मैंने इनको रिंग किया मुझे पास चाहिए, या मैंने डिप्टी कमिश्नर साहिबा से रुजू किया, बिल्कुल नहीं किया। वी आर ऑनेस्टली ऑब्जर्विंग दी लॉकडाउन, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, और मेरी अपने पूरे जम्मू की जनता से, और ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा कि सड़कों पर जिसे कहते हैं वो आना, जिसे हम कहते हैं कुछ हमें शौक भी है क्योंकि अब घरों में हम तंग भी पड़े हुए हैं, खाम सड़कों पे खाम खाम सड़कों पर आते हैं। और मुझे ये, मैं फिर आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, मैं अपने पूरे जम्मू के पीस लविंग लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि टिल दी ऑर्डर्स कम फ्राम दी टॉप, कि जब तक लॉकडाउन खुल नहीं जाता विद सर्टन कंडीशंस, मुझे हमें अपने लोगों को, हमें अपने घरों में बैठना चाहिए, क्योंकि जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा इस बीमारी का इलाज कोई नहीं है। और शकील भाई, समय की सीमा मुझे आप रोकना पड़ेगा, नीरज जी बिल्कुल संक्षेप में, जो कल ऑर्डर, परसों MHA ने ऑर्डर निकाला और कल CS साहब का ऑर्डर, खासकर दुकानें खोलने के लिए, क्या कहेंगे ब्रीफली? देखिए उसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा, ताहिर साहब बैठे हैं इसके ऊपर, चूँकि अभी शकील साहब ने भी चर्चा की थी कि उसमें भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आज भी प्रवेल कर रहा है, लोग हमें पूछ रहे हैं, उसमें एक लाइन होती कि जो दुकानें खुलेंगी उनको पासिस की दरकार है, तो ठीक है आप ये क्लियर कर दीजिए इसमें कि जो दुकानें आपने लो करी हैं, चाहे वो स्टैंड लोन हैं, चाहे वो रूरल एरिया में हैं, अगर वो खुलेंगी तो आपका प्रशासन जाके उनको सील नहीं करेगा, आप कह दीजिए। उसी में लिखना चाहिए था एक सिंपल सा कि जो दुकानें खुलेंगी उसको ब्रीफली बताया जाए कि उनको पासिस की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि हर को तो पास आप देंगे नहीं, और ना ही आपके पास हर कोई पहुंच सकता है, क्योंकि इससे जो कन्फ्यूजन की है। और मैं एक बात बड़े जुम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि जम्मू जब आप बात करते हैं ना, तो जम्मू कैपिटल है हमारी, जिसमें कश्मीर भी बसता है, जिसमें लेह भी बसता है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मैं समझता हूं कि वो प्रेशराइज्ड फील करती है जी, बाकी डिस्ट्रिक्टों में तो कुछ नहीं हो रहा, हमारे यहां पे क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप सबको बोलते हैं जी आप मूवमेंट तभी करेंगे आप पास ले लीजिए, चाहे ई पास लीजिए चाहे फलाना पास लीजिए, ठीक है। बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी जनाब काम कर रहे हैं लोग, बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी लोग रहते हैं, बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी एसेंशियल की सप्लाई हो रही है, मानिए इस बात को कि हर चीज़ के लिए आप विवेक, इनके नाम के तरह ही विवेक इस्तेमाल करिए, लोकल अफसरों को अथराइज कर दीजिए। बड़े प्रदेशों ने ऐसा किया, उन्होंने बाजार के और जो रजिस्टर्ड बॉडीज थी हमारी उनको ही अथराइज कर दिया कि आप पासिस दीजिए। आपने अभी कहा 20,000 पासिस मिले हैं, मैंने आपको आंकड़ा दे रहा हूँ 2226 पास मेरे को मिले हैं, और मैंने आपको लिस्ट दे दी किन किन को मैंने दिए हैं, आप 20,000 बोल रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए जम्मू शहर में 8,000 से ऊपर केवल सिर्फ किराने की ही दुकानें हैं, ठीक है। तो आप अगर 2226 में, आपको बता रहा हूँ जिसमें मैंने कितनी इंडस्ट्री और वेयर हाउस, कनक मंडी, होलसेलर सारे गिना दिए आपको, आप इसके ऊपर आप बता दीजिए क्लेरिफिकेशन। कल जो ऑर्डर आया सबका मार्केट एरिया में तो नहीं अलाउड होगा, ये रेजिडेंशियल एरियाज में स्टैंड अलोन दुकानें जो हैं वो दुकानें खुलेंगी, और रूरल एरियाज में जैसे विद रिगार्ड टू दैट, विद रिगार्ड क्या उनको पास चाहिए होगा, ये मैं पूछ रहा हूँ, जहाँ पे भी हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, SDMs को अथराइज कर रखा है, वो जहाँ उनको रिक्वायर्ड रहता है, जैसे बहु एरिया इसमें SDM साउथ एरिया को, इसमें हम लोगों को पासिस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे हमने बहुत सी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल, आपने जैसे खुद देखा होगा, शकील साहब ने भी पॉइंट आउट किया था कैसे रेगुलेट किया गया था इस साउथ एरिया को,
तो उन लोगों को पासेस इशू किए गए थे, यहाँ पे भी हम पासेस इशू करेंगे और लोकल एसडीएम ही रिकमेंड करते हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, रिकमेंडेशन जाती है आपके पास, पासेस तो आपके वहीं से आते हैं, ये उसमें ही है, ये उस रिकमेंडेशन का ही बता रहा हूँ। आई वुड आल्सो लाइक टू कमेंट जो आपने कहा, फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर ने एक दो बार विद द फार्मास्यूटिकल्स के जो मिसेज लोकिता, वो जो स्टेट लेवल लोकिता खजूरिया जी हैं स्टेट लेवल की, उनके साथ फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन की भी मीटिंग की थी और वेयर हाउस एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह के साथ भी वो गई थी, यहाँ पे भी गई थी। एंड आई होप इट्स नॉट, कोई बैन नहीं है कि हम नहीं करेंगे। आई अश्योर यू कि आपके जो ये जो ग्रीवियंसेज जो आपने पॉइंट आउट किए हैं, इन पर आपसे फिर बात होगी, लेकिन द गिवन सर्कमस्टांसिस में, जैसा कि बड़ा एक टफ डिसीजन था, लॉकडाउन करना है तो किसको फैसिलिटेट करना है, या शकील साहब ने कहा मूवमेंट पासिस का, तो ऑल ऑफ सडन पूरे सिस्टम को रोक के फिर एक रेगुलेटेड मैनर में चलाना, इट टेक्स टाइम। इसमें लोगों को वो होता है, डेफिनेटली आप लोगों के ग्रीवेंसेस का वो, ताहिर साहब वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। डॉक्टर दीपक, यहाँ से एक मैसेज क्या आम जनता को देंगे? देखें, आम जनता को तो यही मैसेज है कि जैसे उन्होंने संयम रखा है वो आगे भी रखिए, जैसा उन्होंने कॉपरेट किया है लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग को रखने के लिए, उसको एक सोशल नाम बनाना पड़ेगा उसको। ये लॉकडाउन तो खुलना है, टाइम विल डिसाइड कि कब खुलना है, हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता डिसीजन हो रहे हैं और लॉकडाउन खुलने का, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा कि उनको ये सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, उनको अपनी हैंड सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है, उनको ज़रूरत पे ही घर से बाहर निकलना है। ये मैसेज मैं देना चाहूँगा ताकि ये जो चेन है ये ब्रेक में ही रहे, इस चेन को नहीं बढ़ाना है, क्योंकि चेन है ये एक से दो, दो से चार वाली चेन है ये, तो उस चेन को रोकने के लिए जो तीन मैसेजेस हैं वही है कि सोशल डिस्टेंसिंग, जहां तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलना है, और तीसरी बात ये कि पूरा पूरा गवर्नमेंट गाइडलाइंस का आपने ध्यान रखना है, अपनी साफ सफाई का, अपनी हैंड सैनिटाइजेशन का, और जहां भी हो सके अपने बुजुर्गों को अपने महफूज रखना है, क्योंकि जो मोर्टेलिटी रेट है वो उनमें ही सबसे ज्यादा है, बाकियों में तो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है लेकिन उनका ध्यान रखना है। मेरा आम जनता से आपके माध्यम से थ्रू यही एक मैसेज रहेगा कि आप अपना ध्यान रखें और हमारा सहयोग कीजिए, हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आप घर से मत निकलिए, हम निकलेंगे, हम हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, बट आप बिना जरूरत के घर से बाहर मत निकलिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस वक्त इस पूरे विश्व में एक कोरोना वायरस के खिलाफ एक महायुद्ध चल रहा है और भारतवर्ष भी इस युद्ध में पूरी शक्ति से शिद्दत से काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जो यहाँ तरीका इख्तियार सरकार ने उठाया हुआ है, स्वास्थ्य निधि ऐप लेकर आ रही हैं और उसके अलावा कई तरह के इनिशिएटिव्स प्रशासन द्वारा लिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तंत्र की खामियों को भी यहाँ पर एड्रेस किया गया है। कहीं ना कहीं उन खामियों को दूर करके बेहतर तरीके से एक कंसंट्रेटेड एफर्ट्स की विभिन्न एजेंसीज के बीच, विभिन्न डिपार्टमेंट्स के बीच आवश्यकता है, तब जाकर जम्मू कश्मीर में इस वबा के, इस महामारी के खिलाफ हम जंग में फतेह हासिल कर पाएंगे। डॉक्टर तारी साहब, डॉक्टर दीपक जी, नीरजन जी और शहील भाई, आप इस सब्जेक्ट पर डिस्कस करने के लिए अपना कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार, थैंक यू।